हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि ये हमारे एम्ब्रॉयडरी वाले सूट होते हैं तो इनके नेक बने होते हैं, तो कभी ये नेक जितना हमें चाहिए होता है उससे बड़ा होता है या फिर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो उसे हमें किस तरह से सेट करना है। जैसे ये गला बहुत बड़ा है, यहाँ से 6.5 इंच है यहाँ से चौड़े में, तो यहाँ से मुझे चाहिए यहाँ पर 5.5 इंच रेडी चाहिए, तो यहाँ से 7 इंच है तो यहाँ पर 6.5 इंच चाहिए, तो ये तो हमारा ठीक है लंबे में, लेकिन यहाँ से हमारा ये ज़्यादा चौड़ा है, तो यहाँ से 5.5 रेडी चाहिए, तो यहाँ से मैं इस तरह से इसे 5.5 इंच पे निशान लगाना है, तो दोनों साइडों में ये बराबर रहना चाहिए, इस तरह से हमें ये निशान लगा लेना है। और यहाँ से ये मैं 6.5 इंच रख रही हूँ, तो 7 इंच है हमारा पूरा बराबर रहेगा। अब ये है, यहाँ से भी हमें ये पूरा इसी तरह इतना इतना छोड़ते हुए, जैसे ये है तो इतना छोड़ते हुए यहाँ पर ये राउंड में ऐसे मार्किंग कर लेनी है, और इस साइड में भी इसी तरह ये मार्किंग कर लेंगे, तो जिस तरह मार्किंग की है उसी तरह हमें कटिंग कर लेनी है इसकी। ये हो गई कटिंग। अब यहाँ पर इस तरह से भी हम लगा सकते हैं, यहाँ पर ये डिजाइन है तो ये डिजाइन आ जाएगा। अगर हमें जैसे पाइपिंग लगानी है तो इसके जो सलवार का कपड़ा है उसको लेके हम पाइपिंग लगा देंगे यहाँ पर, तो ये मैं इनविजिबल पाइपिंग आपको लगाना बताऊंगी। इस तरह के नेक है तो यहाँ पर हम पाइपिंग देंगे तो बहुत ही प्यारा लुक आता है, तो वो पाइपिंग हम किस तरह से देंगे, जैसे गले की मैंने कटिंग कर ली है, पाइपिंग कैसे लगाएंगे, तो इसमें से जो हमारा सलवार का कपड़ा है उसी का ले लेना है, कोई भी कलर ले लेंगे। तो यहाँ पर ये कपड़ा लिया है तो इसकी हम पहले पाइपिंग कट करेंगे। पाइपिंग के लिए हमें इस तरह से ये कपड़ा लिया है मैंने, इसको हम तिरछा काटते हैं, जैसे यहाँ से हमें इस तरह से कट कर ले निशान लगा लेना है, और यहाँ से रखना है 1.5 इंच, बाकी आप अपने हिसाब से चौड़ा या कम चौड़ा रख सकते हैं, और ये लाइन भी इसी तरह लगानी है। आगे भी हमें ये इसी तरह की लाइनें लगा देनी है, 1.5 इंच की लाइनें लगने के बाद इसी तरह कटिंग कर लेनी है। तो ये दो बनी है, अब दोनों को ज्वाइन कैसे करना है, यहाँ से ऐसे काट लेंगे, इनको इस तरह से रखना है, यहाँ से ये लाइन लगाएंगे और सिलाई लगा देंगे यहाँ पर, यहाँ पर लगा दी सिलाई, यहाँ से कटिंग कर लेनी है, इस तरह से टट कर लेना है, तो यहाँ पर ये ज्वाइन हो गया है, लंबी स्ट्रिप्स बन गई। इसके बाद ये कपड़ा है, इसे हमें यहाँ पर इस तरह से खोल लेना है, ये बन गई लंबी स्ट्रिप्स। अब यहाँ से भी इसके इस तरह बराबर रख के कट कर लेना है। अब ये हमें डोरी इसके अंदर डालनी है, ये डोरी हम यहाँ पर फिट करेंगे, ये डोरी आपको यहाँ टेलरिंग का सामान मिलता है वहां पर मिल जाएगी, तो ये डोरी हमें पाइपिंग के बराबर ले लेनी है। अब पाइपिंग को ऐसे रखना है, ये उल्टा है हमारा, यहाँ पे ये ज्वाइंट है, ऐसे रखेंगे और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है ऐसे कपड़े को, और यहाँ से सिलाई लगानी है, तो ये मैं मशीन पे बताऊंगी आपको कि यहाँ पर मैंने फुट चेंज करना है, तो इस फुट से भी हमारी लग जाती है, तो अगर आपके पास ऐसा फुट है दूसरा तो जैसे जिप वगैरह भी इसके साथ लगती है उसे लगा लेंगे। इस तरह से रखना है पाइपिंग के अंदर ऐसे, डोरी इसमें सेट हो गई है। इसके बाद ये कपड़ा है इस तरह से, इसे हमें ऐसे रखना है और यहां पर भी सिलाई लगा देनी है। अब देखिए ये डोरी इस तरह से यहां पर पैक हो गई है, अब इसे कहीं भी हम लगा सकते हैं। इस गले के ऊपर हमें पाइपिंग ये सेट करनी है, यहाँ पर पाइपिंग है, यहाँ पे पाइपिंग पैक हुई है, इसे हमें यहाँ पर ऐसे रखना है और यहाँ से सिलाई लगा देनी है यहाँ तक पाइपिंग के साथ, इस तरह ऐसे रखना है, ये पाइपिंग वाली साइड ऐसे आनी चाहिए, इस साइड को इस तरह रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर इस तरह से पाइपिंग लगी है, यहाँ पर एक्स्ट्रा है, ये
इसे कट कर देंगे। अब क्या करना है, ये देखिए इस तरह से लगी है। अब इसे हमें इस तरह से ऐसे टर्न करना है, तो यहाँ से देखिए इस तरह से आएगा, तो सिलाई लगाई है एकदम फिनिशिंग के साथ आएगा। अब यहाँ से हमें सिलाई लगा देनी है, ये देखिए इस तरह है, इसे हमें इस तरह कर लेना है टर्न। यहाँ से सिलाई लगा देनी है, एकदम किनारे से लगानी है सिलाई, इसे इस तरह अंदर को करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए एकदम हमारी ये फिनिशिंग के साथ बारीक पाइपिंग बैठी है यहाँ पर। अब यहाँ पर इतना कपड़ा है हमारा, यहाँ पर एक और सिलाई लगा देंगे। अगर तुरपाई करना चाहते हैं तो तुरपाई भी कर सकते हैं, नहीं तो ये हमारा इस तरह से उठा रहेगा। तो ये जो हमारी जैसे सिलाई ये कटिंग का कपड़ा है ये भी अंदर आ गया है, तो एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी ये लगी है। यहाँ पर एक और सिलाई लगा देंगे, इस तरह लगानी है, इस पाइपिंग के किनारे किनारे से लगानी है। तो ये हमारा इस तरह उठ रहा है ऐसे, ये पूरा दब जाएगा इस तरह से। अब देखिए ये पाइपिंग हमारी कुछ इस तरह से बैठी है, देखिए कितनी ही फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग आई है और अंदर से इस तरह से दिखेगी। तो फ्रेंड्स ये लग गई हमारी इनविजिबल पाइपिंग, बहुत ही आसान है इस पाइपिंग को लगाना। ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो के साथ।